स्वागत है कलांजलि में। और अब आपको लिए चलते हैं साहित्य की दुनिया में। युवा साहित्यकार अभिषेक कश्यप साहित्य, कला, रंगमंच और सिनेमा से जुड़े विषयों पर अपनी कलम चलाते हैं। इनकी लिखी कहानियां और उपन्यास युवा पाठकों के बीच खासी चर्चित है। अभिषेक कश्यप से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी चांद मोहम्मद ने। प्रस्तुत है अभिषेक से बातचीत। नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ में है दिल्ली के युवा लेखक और साहित्यकार अभिषेक कश्यप। अभिषेक कश्यप साहित्य, कला, संस्कृति और रंगमंच सहित कई विषयों पर लिखते हैं। अभिषेक कश्यप की अब तक 1000 के करीब आर्टिकल और तकरीबन 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। आज हम अभिषेक से बात करेंगे इनके लेखन के बारे में, साथ ही साहित्य से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले हम चाहेंगे आपका जो लेखन है उसके बारे में बताएं, किस तरह का लेखन आपका रहा है अब तक? देखिए चांद जी, लिखने की शुरुआत तो मैंने बहुत छोटी उम्र में जी 90 के दशक में लघु कथाओं से की। छोटी छोटी कहानियां लिखी जो वहां का एक दैनिक अखबार था, वहां छपते थे। फिर साल 1999 में लेखकों का एक बड़ा समागम हमारे शहर धनबाद में हुआ था। मूलतः हम ये धनबाद में मेरी स्कूलिंग हुई, झारखंड के जो कोयले के लिए बहुत मशहूर है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पढ़ने का बहुत शौक था। हिंदी कहानियां प्रेमचंद के बाद राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, कमलेश्वर, अमृता प्रीतम, जो भी किताबें मिलती थी हम उसको पढ़ जाते थे। तो इससे एक हुई कि इच्छा हुई कि अभिव्यक्ति की इच्छा कि हम हमारे दिमाग में जो चीज है, नए विचार है, नई तरह की कहानियां हैं, वो कैसे सामने आए। तो उसी से लघु कथाएं लिखनी शुरू की। लेकिन साल 1999 में जो संगमन का आयोजन हुआ जी, वो और इतने सारे लेखकों को, मैत्रेयी पुष्पा, गिरिराज किशोर, राजेंद्र यादव, डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिया, इतने सारे लेखकों के सानिध्य में यह लगा कि भैया ये साहित्य की दुनिया कितनी जीवंत दुनिया है जी, जी। और इसका एक हिस्सा होना चाहिए। और काफी दिन से मेरे दिमाग में एक थीम थी कहानियों को लेकर। जहां उस समय हमें मार्क्सवाद और इन चीजों की वैसी समझ नहीं थी, लेकिन लगा कि भैया एक सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय जो है जी है, उस वो कोई चीज है। ये तब तक गहराई से समझ में आ चुकी थी। खेल उसी वर्ग भेद की कहानी है जो हमने अपने बहुत खराब हेड राइटिंग में, बारीक हेड राइटिंग में, छोटे छोटे हेड राइटिंग में 40 पेज में लिखकर राजेंद्र यादव जी को हमने वो कहानी भेजी थी। पहली कहानी थी आपकी वो? जी 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 जी। तो और हफ्ते भर के अंदर फिर राजेंद्र यादव जी ने पोस्टकार्ड भेजते हुए लिखा कि इसे बस अगले अंक में हम छाप रहे हैं और यार कहानियां तो डूब कर लिख लेते हो। उसके बाद वो कहानी हंस में सबसे कम उम्र में, मेरी लंबी कहानी, वो भी छोटी नहीं समझे, वो हंस में मेरे हैंड राइटिंग में वो 14 पन्ने की थी, वो हंस में छपी पूरे 40 तो मेरे हेड राइटिंग में थे, 14 पन्ने पत्रिका के 14 पन्ने में वो छपी। और बड़े बड़े लेखकों से लेके ट्रक ड्राइवर के लड़के तक का उस पर चिट्ठियां मिली। मेरा ख्याल है कि 300 के आसपास उस पर चिट्ठियां मिली। तो उससे आप एक एहसास बनता है, आपकी एक प्रेजेंस बनती है कि पूरे देश भर में आपके लेखन की वजह से आपकी एक पहचान बन रही, यानी पहचान तो बन रही है। और उससे बड़ी बात की आपसे लोग जुड़ रहे हैं भावनात्मक तौर पर, आपकी थीम, आपने जो कहा, उससे इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो क्या उम्र रही होगी जब आपकी पहली कहानी प्रकाशित हुई? खेल में जो खेल जो कहानी प्रकाशित थी, लंबी कहानी, उस समय मेरी उम्र 23 साल थी। जी जी जी, जी, जी। कहानी का वो पहली कहानी थी, उससे पहले आपने लघु कथाएं लिखी? लघु कथाएं लिखी थी, थोड़ी बहुत कविताएं, कवितानुमा चीजें लिखी थी, लेकिन कहानी वही कहानी के तौर। उसके बाद लेखन का सिलसिला किस तरह? उस साल 2000 के अगस्त अंक में हंस में छपी थी। और वो मुझे एक ऐसा दौर था कि हमने एक साल में 9-10 कहानियां लिखी, और जितने उस समय की अच्छे, जैसे इंडिया टुडे है और बाकी कई पत्र पत्रिकाएं जो उस समय अक्षर परु का साहित्य विशेषांक निकल रहा था, तो उदय प्रकाश है, ये क्या कहा जाता है, उन्होंने आपका स्वाधीनता के सरदीय विशेषांक का संपादन किया था। तो उस साल खेल के अलावा भी मेरी
करीब करीब सबसे महत्वपूर्ण कहानियां जो थी उस एक साल में, वो एक दौर था जब आपके भीतर रचनात्मकता कुछ किस तरह घटित हुई थी, ये इसका यह एक रहस्य है जो कई बार लेखक के भी समझ से वह बाहर होता है। तो उसी साल मेरी कई कहानियां छपी और एक पहचान मिली, उसके बाद फिर हम दिल्ली आ गए। जी जी, पहला कहानी संग्रह जो आपका आया वो इन्हीं कहानियों का संग्रह था, कुछ और उसमें नई कहानियां भी थी उसमें। जी जी, उसके बाद हम उसमें कुछ कहानियां जो छपी थी उसमें कुछ नई कहानियां थी। खेल के नाम से संग्रह आया, उसमें मेरा ख्याल है 12 के आसपास कहानियां थी, हालांकि कुछ कहानियां ऐसी थी हमको लगा कि ये संग्रह के लायक नहीं, तो उसको संग्रह में ना शामिल किया जाए। तो उसमें मेरा ख्याल है कि 12 कहानियों का वो पहला संग्रह, लेकिन वो संग्रह छपा 2007 में। दूसरा जो कहानी संग्रह आपका आया सबसे अच्छी लड़की करके, उसमें किस तरह की कहानियां शामिल थी? मेरी थीम कस्बाई युवा और युवा मन की के विविध सेट्स, उनकी जटिलताएं, ये मेरी थीम रही है क्योंकि अपन खुद युवा रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं मेरे अनुभव भी शामिल रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी हम सब माई की भूमिका में लिखा भी है कि मेरी कहानियों से युवा वर्ग और युवा पाठक वर्ग इस तरह से जुड़ाव महसूस करता है कि अक्सर मेरे पास फोन आते हैं या कोई मिली या चिट्ठियां आती, पहले चिट्ठियां आती थी और फोन और ऐसे में ज्यादा आते हैं, तो लोग यह कहते हैं कि पहला सवाल यह होता है कि, और दूसरी बात है कि मेरी ज्यादातर कहानियां हैं वो मैं से शुरू होती है, मैं से। तो इससे भी एक भ्रम पैदा होता है, तो लोग पूछते हैं कि क्या ये वाकई आपके साथ घटा था, क्या ये आपकी कहानी है? तो यह बड़ा एक जटिल सवाल है, सुनने में आसान लगता है लेकिन ये बहुत जटिल सवाल है कि क्या ये आपकी कहानी है। जहां तक हमको लगता है तो हमने इसका जवाब यह दिया है कि यह तय करना अपनी ही कहानी उसमें कितना अपना आत्म शामिल है यह कई बार बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने कई बार हम इस तरह का जवाब देते हैं कि उसमें मेरी कहानी का मतलब है कि उसमें फैक्ट है, और जबकि कहानी या उपन्यास फिक्शन है, तो इसमें फैक्ट कितना है फिक्शन कितना है। तो हमने बोला है, हम कहते हैं कि इसमें यह फिक्शन ही है, इसको फिक्शन की तरह पढ़िए। आपका जो उपन्यास है हम सब माही, वो काफी चर्चित रहा युवाओं के बीच में, क्या लगता है वो क्या खूबियां थी आपकी नजर में उस उपन्यास में कि वो एक चर्चित बना और लोगों ने उसको काफी पसंद किया? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑनलाइन स्टोर से भी उस किताब की काफी बिक्री हुई है। जी, मुझे यह लगता है कि ज्यादातर उन लोगों को, ज्यादातर हम सब माही युवा लड़के लड़कियों ने खरीदे, लेकिन इसके साथ ही यह भी हमें लगता है कि कुछ बड़े लोगों ने भी उसको पढ़ा है। जी जी। सबसे बड़ी चीज है कि उनमें युवाओं की कहानी जिस तरह से कही गई है, जी जी, छोटे सरों से आकर यहाँ रहने वाली युवाओं की कहानी जिस तरह से कही गई है और छोटे छोटे अध्यायों में है, कई चीजें एक साथ घटित होती रहती हैं, प्रेम के सिलसिले में मानसिक उलझने हैं, दोस्तियों के बीच अपनी जो ये है दरार है, या फिर दोस्त के लिए सब कुछ छोड़ देने का, उसके लिए कुछ भी कर सकने का एक मादा है। तो कुल मिलाकर यह उपन्यास यह भी एस्टैब्लिश करता है कि मित्रता या दोस्ती जो है वह दुनिया में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक संबंध है। जी जी। वो हर तरह की जाति भेदभाव से ऊपर है, क्योंकि उसमें एक एक मेल और फीमेल कैरेक्टर जो अलग अलग धर्म और संप्रदाय से हैं लेकिन एक साथ लिव इन रह रहे हैं। जी जी। यह है, और दिल्ली का जो समाज है उसकी अपनी सीमाएं हो सकती है सामाजिक जीवन की, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि लोग छोटी जगहों की में ऐसा होता है कि थोड़ा सा दूसरे के व्यक्ति का जीवन में तांक झांक होती है। जी जी। दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं, सारे इलाके ऐसे नहीं, लेकिन दक्षिणी दिल्ली का एक ऐसा इलाका है कि जहां आपके निजी जिंदगी में तांक झांक कम होती है। जी जी। तो वो लोग लिव इन रिलेशन रहते हैं और उनको स्वीकृति भी एक तरह से मिली है जब उनको किराए पर कमरा मिला है। तो ये कुल मिलाकर दूसरी चीज है कि पठनीयता हमारे साथ सबसे बड़ी है बात है कि हमें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लिखा जाए वो संप्रेषणीय है कि नहीं, जी जी, कम्युनिकेट हो पा रहा है कि नहीं पाठकों के साथ। आपकी आलोचना पे भी एक किताब आई है देखते परखते हुए, आपने कई जो मशहूर साहित्यकार हैं उनकी जो रचनाएं हैं उसको अपने नजरिए से पेश किया है, उस सब के पीछे क्या वजह रही और किस तरह की सामग्री आपने उस किताब में शामिल की?
देखिए, एक तो है कि मेरा सबसे ज्यादा समय आज अभी तक की जीवन का किताबों के बीच गुजरा है जी। अब थोड़ा सा समय, चूंकि मेरी चित्रकला और कलाओं के प्रति जो रुचि है जी, तो उसमें चित्रकला और थिएटर, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य में भी मेरा रुझान है। लेकिन वो परफॉर्मेंस थोड़ी देर का होता है, किसी आर्ट गैलरी में जाएंगे तो हम 1 घंटे 2 घंटे गुजारेंगे। उसके बाद का एक लंबा समय जो होता है जी, तो आप अपना काम करेंगे, लिखेंगे, लिखने के अलावा आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मेरे पास काफी बड़ी लाइब्रेरी भी है जी, जी। तो उसमें कि पढ़ने का हमको शुरू से ही शौक रहा है जी। हमने यह देखा कि बहुत सारी किताब पढ़ने के बाद जो आलोचना या समीक्षा लिखी जा रही है जी, तो वो ऐसा लग रहा था कि उसको पढ़ने के लिए आपको बेहद अपठनीय और उसमें कृति तक पहुंचने की कोशिश नहीं है, बल्कि अपने आप को बौद्धिक साबित करने की एक प्रतिस्पर्धा है कि एक किसी लेखक की किताब मेरे हाथ में आई है जी। तो हमको उसमें किसी भी तरह अपनी बौद्धिकता, या तो हम उसके तारीफ करें या फिर हम उसकी आलोचना करें, लेकिन हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा आता है जी। मेरी कोशिश यह रही है कि पठनीय ढंग से लिखा है जो किताब हमने पढ़ी, ठीक है ना। कुछ चीजें इसकी शुरुआत तो फ्रीलांसिंग से भी हुई कि हम लोग दिल्ली में थे तो नया गानों की नौकरी से पहले कभी फ्रीलांसिंग हम कर रहे हैं, तो किसी से संपादक के पास गए तो उसने कोई किताब दे दी कि एक नई किताब आई है। पहले बहुत सारे, अब तो नहीं, लेकिन एक समय था 8-10 साल पहले कि बहुत सारे ऐसे अखबार थे जिनमें पुस्तक समीक्षाओं के असम नियमित रूप से थे, वो लोग दे देते थे। लेकिन उसमें यह होते थे बहुत सारे फ्रीलांसर या बहुत सारे लोग ये करते हैं कि किताब ठीक से पढ़ते नहीं या कभी पढ़ते भी नहीं, उसका ब्लड मैटर पढ़ लिया और अपनी बात लिख दी उसके अपनी। मेरी हमेशा यह कोशिश रही थी और हमेशा हमने यह किया कि किताब पहले पूरी पढ़ी जाए और फिर किताब को पढ़ते हुए हमें किस तरह का आनंद मिल रहा है या किस तरह की अनुभूति हो रही है, अच्छी या बुरी जी, उसको लिखा जाए जी, जी। समीक्षा किताब पढ़ने के बाद, उसका रस लेने के बाद, वो रस कैसा है यह बताया जाए जी पाठकों को। तो इस तरह से आपने जो बताया इस किताब में वो किन किन, किस तरह की रचना है और किस तरह की रचना का उसमें उसमें हर तरह की किताबें हैं, नए रचनाकारों से लेकर उसमें राजेंद्र यादव की किताब पर भी रिव्यू है, कुछ विदेशी किताबों पर भी रिव्यू है जी, जी। पाब्लो नेरुदा मेरे प्रिय कवि रहे हैं जी, तो पाब्लो नेरुदा के आत्मकथा है उस पर भी मेरी रिव्यू है, और कविताओं को लेकर, कविताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें कहानियों के, उपन्यासों के, और न केवल हिंदी के या विदेशी भाषाओं के, कई उस वक्त भारतीय भाषाओं के भी कुछ अच्छी किताबें, जैसे कि इसमें चुकता एक उपन्यास जिद्दी है उसकी भी एक रिव्यू उसमें है। एक और नाम भूले, ऋषिकेश पंडा का एक उपन्यास आया था सुवर्णदी, वो उड़िया से हिंदी में अनुवादित होकर आया था, तो उसमें न केवल हिंदी भाषाओं के बल्कि विदेशी भाषाओं की भी कई किताबों पर और भारतीय भाषाओं की भी कई ऐसी किताब थी जिनकी हमने समीक्षाएं की और सबको पढ़ करके उनका रस लेकर की, उनको पहले खुद उस रस को ग्रहण किया, उसके बाद हमें लगा कि भैया अब मेरा ये बनता है, हमको ऐसी किताब लगी, इसको बताने के लिए हमने रिव्यू लिया। आपने जो महसूस किया उस किताब को पढ़ के, आपने जो महसूस किया वो पाठकों के सामने एक आलोचक के रूप में पेश किया, भाई आपने इस किताब का अध्ययन किया, आपको ये महसूस हुआ? आलोचक के रूप में किया कि नहीं, लेकिन एक पाठक के रूप में, पाठक तो मैं एक अच्छा पाठक बने रहने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए जी। समकालीन भारतीय कलाकारों के साक्षात्कार के नाम से भी आपकी किताब है जी, तो उसमें किस तरह के चित्रकारों, कलाकारों को शामिल किया और इस सब के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा? देखिए, इसमें चांदी मेरी दो किताबें हैं जो है, एक तो सृजन संवाद के नाम से जी, इसमें समय समय पर, अलग अलग समय पर हमने लेखकों के, आपके जो इंटरव्यू किए जी जी, और उसमें भी मेरा हिंदी मेरी सीमा नहीं है जी, उसमें अंग्रेजी के लेखकों के भी साक्षात्कार है, उसमें के सच्चिदानंदन जो ये क्या कहते हैं मलयाली भाषा के बहुत बड़े कवि हैं, उनका लंबा इंटरव्यू उसमें है। उस किताब में लीजेंडरी राइटर हैं उर्दू के रहे, अब तो अभी थोड़े दिन पहले उनका निधन हो गया, जोगेंद्र पाल साहब, उनका लिया हुआ मेरा लंबा इंटरव्यू है। अंग्रेजी के राइटर हैं अमित चौधरी जी, जी। उनका लिया हुआ एक लंबा साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार भी किसी रचनाकार के
रचना प्रक्रिया को समझने या उसके रचनात्मक अंतर जगत में पहुंचने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसीलिए मुझे लगता है कि कलाकारों के और साक्षात्कारों के साथ, लेकिन वो हड़बड़ी में किए गए नहीं, पूरे इत्मीनान से उनके रचनाक्रम को समझने के बाद अगर आप कोई इंटरव्यू करते हैं, कोई साक्षात्कार लेते हैं जी, तो वह साक्षात्कार भी पाठकों को किसी कविता या कहानी जैसी ही अनुभूति देगी, मतलब किसी रचनात्मक विधा जैसी ही अनुभूति देगी, और साक्षात्कार को खुद में एक बहुत रचनात्मक विधा मानता हूँ। जी जी, बहुत रचनात्मक विधा मानता हूँ। और दूसरी बात, जो चित्रकार की तो वो एक दूसरी किताब है मेरी, चित्र संवाद, जिसमें कई लंबे इंटरव्यू हैं समकालीन भारतीय चित्रकारों के, जोगेंद्र चौधरी जी जी, ये अखिलेश, गोगी सरोज पाल, मनु पारे, कभी जो समकालीन कला जगत के में जो लंबे अरसे से सक्रिय हैं, और कुछ नए लोग भी हैं जिन्होंने थोड़ी ही जगह में 10-15 साल काम करके अपनी एक बहुत अच्छी जगह बनाई, अपनी एक शैली बनाई। सोशल मीडिया की बात की आपने, साहित्य के लिहाज से देखें तो क्या सोशल मीडिया साहित्य के लिए फायदेमंद साबित हुआ है या कहीं न कहीं साहित्य को उसने नुकसान पहुंचाया? हमें इस चीज को फायदे और नुकसान के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि कुछ तो अच्छी बातें इसमें भी हुई है जी जी। बहुत सारे आज फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे कवि थे, कवित्रियां थी, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जी जी। तो पहले वो फेसबुक पर उनकी कविताएं छपी, वो चर्चित हुई, तो अब अखबारों और पत्रिकाओं ने भी उनकी कविताएं छापने शुरू की जी जी। तो ये एक अच्छा बदलाव है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारा कूड़ा कचरा भी इसके साथ है। जैसे कि आप देखें कि फेसबुक पर कोई 2-3 लाइन की अर्थहीन सी पंक्ति भी लिखते हैं तो उस पर 1000 आपके लाइक्स हो जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं, तो इससे उसको एक खुशफहमी या गलतफहमी हो सकती है कि, या एक ईगो उसमें आ सकता है कि मैं कोई बहुत बड़ा कवि हो गया जी जी। तो वो तो एक अलग तरह का वो माध्यम है, वो एक तरह की शेर की सवारी है, आप शेर की कि आप जब तक पीठ पर बैठे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आप इधर उतरेंगे तो क्या होगा। तो उसके अच्छे पहलू भी हैं और बुरे पहलू भी हैं, तो सिर्फ उसको हम अच्छे या बुरे में या उसको पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका कैसे रचनात्मक उपयोग भविष्य में और अच्छे ढंग से हो पाए इसको भी देखा जाना चाहिए जी जी। इन सालों या ये कहें कि इन दिनों जो लिखा जा रहा है साहित्य में, वो कौन सी विधाएं हैं जिसमें ज्यादा लिखा जा रहा है, या वो विधा साहित्य की जो ज्यादा प्रभावी हुई है इन सालों में? हिंदी में तो जो देखें कि हिंदी में कभी कहा जाता था कि भारत कवियों का एका देश है, यहाँ हर व्यक्ति हुए है खासकर हिंदी पट्टी का वो कवि होता है जी जी। कुछ 2-4 लाइन उसने लिख लिया और उसको खुशफहमी हो सकती है कि वो कवि है, होती भी है, लेकिन इधर ये बात ठीक है क्योंकि कविताएं लिखने में मेहनत नहीं लगती, आपके दिमाग में कोई 4 पंक्ति आपने लिख दिया और आप खुद को कवि मान सकते हैं। तो लेकिन इधर ये है कि भैया पिछले 10 सालों में एक, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कहानियां लिखने वाले बहुत लोग आए हैं जी जी। कहानियां लिखने तो फिर भी मेहनत का उपन्यास तो खैर एक बड़ी तैयारी की जरूरत होती है जी जी। क्योंकि उसका वितान बड़ा होता है जी जी। हाँ, लेकिन इधर कहानियां भी काफी लिखी जा रही है और कविताएं तो पहले भी बहुत लिखी जा रही है, अब तो फेसबुक के बाद और ज्यादा लिखी जा रही है। तो ये थे युवा लेखक अभिषेक कश्यप, जिनसे हम बात कर रहे थे साहित्य से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में, साथ ही इनके लेखन के बारे में। कलांजलि में इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नई कला और साहित्यिक गतिविधियों के साथ। तब तक देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।